एमनेस्टी इंडिया के प्रोग्राम में देश के हालात पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने जताई चिंता, कहा धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई। इससे पहले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या एक गाय की एक मौत पुलिस अधिकारी की मौत से ज्यादा अहम है। राफेल पर संसद में जारी है घमासान, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया राहुल के आरोपों पर जवाब, कांग्रेस बोली जेपीसी जांच से कम कुछ मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से पूछा कॉन्ट्रैक्ट एचएएल की जगह अनिल अंबानी को क्यों दिया गया और राफेल की संख्या 126 की जगह 36 क्यों कर दी गई। राफेल पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा क्या कमीशन नहीं मिला, इसलिए नहीं की थी यूपीए ने डील। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से उद्धव ठाकरे कर सकते हैं मंदिर आंदोलन का ऐलान, अगले महीने है उद्धव का यूपी दौरा। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में जा सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रयागराज पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करीब 7 घंटे तक मेला परिसर में ही रुकेंगे योगी। योगी आज प्रयागराज में संतों से मुलाकात के साथ सार्वजनिक आवास का उद्घाटन भी करेंगे, वहीं शाम 5 बजे क्रूज से किला घाट और नैनी ब्रिज की जांच भी करेंगे। प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका अवार्ड में एबीपी न्यूज की धूम, 4 पत्रकारों को अवार्ड सम्मानित किया गया। एबीपी न्यूज से जगविंदर पटियाल, प्रतिमा मिश्रा, ब्रजेश राजपूत को रामनाथ गोयंका अवार्ड से नवाजा गया। पिछले 5 सालों में 27 डिफॉल्टर कर्ज लेकर विदेश भागे, वित्त मंत्री राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में दी जानकारी, 8 के खिलाफ नोटिस जारी। शराब कारोबारी विजय माल्या पर आज आ सकता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का फैसला, माल्या के खिलाफ ईडी ने दायर की है याचिका। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जोधपुर में राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। एनजीटी ने मेघालय पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना, गैरकानूनी रूप से चल रही खदानों के आरोप में लगाया है जुर्माना। सीबीआई के काम करने के तरीके पर फिर उठे सवाल, जॉइंट डायरेक्टर वी मुरुगन सेन को राकेश अस्थाना के केस की जांच से हटाकर कुछ ही देर में फिर से सौंपी गई। दिल्ली में अखिलेश यादव और मायावती की लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक, सूत्रों के मुताबिक 37-37 सीटों पर बात बनी, 6 सीट सहयोगियों को मिलेंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर खतरे के बादल, शिवसेना ने लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की शर्त रखी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी कड़ी शर्तें, अमित शाह ने कहा सिर्फ गठबंधन की वजह से नहीं करेंगे कोई भी समझौता। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से एनसीपी और कांग्रेस के बीच 20-20 सीटों पर सहमति, 8 पर बात अटकी। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली जीत का आभार जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर में किसान रैली करती है। हरियाणा के रोहतक में अरविंद केजरीवाल ने शहीद रविंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। आज झारखंड का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पलामू में मंडल बांध समेत कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। आज ओडिशा का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी, 4500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज त्रिपुरा जाएंगे बीजेपी प्रमुख अमित शाह, पृष्ठ प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बापुल सुप्रियो के समर्थकों और सीपीआईएम कांग्रेस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। आपने अभिनेता प्रकाश राज को दिया समर्थन, 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं एक्टर प्रकाश राज। राजस्थान के जोधपुर में महिला विधायक दिव्या मदेरणा ने पुलिस अधिकारियों को धमकाया, सख्ती से काम करने का निर्देश दिया। बालासाहेब ठाकरे पर बनी फिल्म का आदित्य ठाकरे का बयान, मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक लाभ के लिए बनाई गई है फिल्म। गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह की प्रदूषण रोकने की नई पहल, सप्ताह में एक बार साइकिल चलाकर सचिवालय जाएंगे। एमपी के सागर में सीएम के करीबी जीवन पटेल पर महिला कार्यकर्ता ने लगाया गाली कलौच और धमकी देने का आरोप। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पार्किंग में बैठे युवक की कार सवारों ने की हत्या। दिल्ली के पहाड़गंज में चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई।
दिल्ली में चोरी के शक में हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मोतीनगर में हादसे की शिकार बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन खत्म, पूरी बिल्डिंग गिराई गई। हादसे में बच्चे समेत 7 की मौत। मोतीनगर में हादसे के शिकार बिल्डिंग का मालिक भी घायल हुआ, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के फतेहपुर बेरी फार्म हाउस में नए साल पर महिला की मौत केस में जेडीयू विधायक की पत्नी और करीबी रामेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के बिंदापुर में 1 जनवरी को सुमित नाम के शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में जेल में बंद बदमाश विकास कुमार के फेसबुक अकाउंट से जेल के अंदर का फोटो वायरल होने का हड़कंप। इनामी बदमाश विकास यादव ने जेल के अंदर से ही अपना फोटो अपलोड करने के साथ लिखा है कि जेल में बस कुछ दिन और। देवरिया जेल के अंदर से फोटो अपलोड होने के मामले के बाद जेल की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। यूपी के बदायूं में दरगाह जंजीरों से बांध कर रखे गए मानसिक रोगियों को पुलिस ने मुक्त कराया। यूपी के शाहजहांपुर में राजकीय कॉलेज की छात्राओं ने टीचरों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया, मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। यूपी के एटा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, 71 आधे बने हुए तमंचे बरामद किए गए, एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम में चाउमीन खरीदने आए युवक पर बदमाशों ने बम से हमला किया। लखनऊ में युवक के ऊपर हुए बम से हमले के पीछे हिस्ट्री शीटर बच्चू यादव का हाथ बताया जा रहा है। पटना के बाईपास में नाले में गिरा 5 साल का बच्चा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर। अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानो ने बिल्डर समीर भोजवानी को सौंपा 200 करोड़ के मुआवजे का नोटिस। समीर भोजवानी को एक नेशनल अखबार में गलत खबर छपने के कारण मुआवजे और माफी मांगने का नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र में लोन डिफॉल्ट केस में लोक मंगल एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी को सेबी का नोटिस, कंपनी में निदेशक हैं मंत्री सुभाष देशमुख की पत्नी। मुंबई के अंधेरी में एक बिल्डिंग में आग लगी, कोई घायल नहीं, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। हादसे के बाद हाईवे पर लग गया 5 किलोमीटर लंबा जाम। कोलकाता के मुकुंदापुरा में पिता की दूसरी शादी से नाराज बेटे ने पिता की हत्या की। ओडिशा के मयूरभंज के करंजिया जंगल में मिला 10 साल के हाथी का शव। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज शुरू होगा 27वां पुस्तक मेला, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे उद्घाटन। इस साल दिल्ली के पुस्तक मेले में संयुक्त अरब अमीरात का सदस्य शारजा भी हिस्सा ले रहा है। मुंबई में अभिनेता आमिर खान और राज्य मंत्री गिरीश महान ने चाइल्ड ओबेसिटी के प्रति जागरूक करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की। कुंभ के लिए एयर इंडिया दिल्ली से प्रयागराज तक 13 जनवरी से शुरू करेगा अतिरिक्त हवाई सेवा। यूपी के संभल के शेरपुर में घर घर बिजली का दावा खोखला, खंभे लगाकर उन पर तार भी भिज गई लेकिन लाइन चालू नहीं। एमपी के छिंदवाड़ा में गर्मी से पहले पानी की किल्लत से परेशान जनता, 4-5 दिन में एक बार आ रहा है नलों में पानी, लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रेप के आरोपी अभिनेता आलोकनाथ की अग्रिम जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला, मुंबई की डिडोंशी कोर्ट सुना सकती है फैसला। ओडिशा के भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, रूम हीटर से किया जा रहा है ठंड से बचाव। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 2 शावक और 1 भालू पानी के टैंक में फंस गए, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। योग गुरु रामदेव के पतंजलि योगपीठ का स्थापना दिवस आज, इस मौके पर हरिद्वार में परिधान शोरूम का उद्घाटन करेंगे रामदेव। गुजरात के गिर के जंगल में शेरनी की ममता देखी है, कैसे 2 शावकों के साथ तेंदुओं के बच्चों को दूध पिलाकर पाल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन का फोन पर बात करने वाला वीडियो वायरल, किसी पत्रकार का फोन टेबल पर छूट गया, उसी पर आई थी कॉल और पेन बात करने लगे। शानदार पारी के बाद बोले ऋषभ पंत, 2 बार नर्वस 90s पर आउट होने के बाद थोड़ा सा डरा हुआ था लेकिन जल्दी ही उस डर से निकल गया। पंत ने सिडनी टेस्ट में खेली 159 रन की शानदार पारी। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने, ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर शतक जमाने वाले एशिया के भी पहले विकेटकीपर बने पंत।
ऋषभ पंत एक टेस्ट सीरीज में 200 से ज्यादा रन और 20 से ज्यादा कैच लेने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर बने। सातवें विकेट के लिए पंत और जाडेजा के बीच हुई 204 रन की शानदार साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ब्रावो और दिनेश रामदीन के बीच 2005 में 182 रन की साझेदारी का रिकॉर्ड टूटा। चेतेश्वर पुजारा का शानदार प्रदर्शन बढ़ा सकता है उनकी सैलरी। बीसीसीआई कर रहा है पुजारा को ग्रेड ए से ग्रेड ए प्लस कैटेगरी में शिफ्ट करने पर विचार। 5 से 7 करोड़ सालाना का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 7 विकेट पर 622 रन बनाकर पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 बार पारी घोषित करने वाली पहली भारतीय टीम बनी विराट की सेना। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान। कुल नौ बदलाव किए गए। तेज गेंदबाज पीटर सीडल और बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को मिली जगह। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान फाफ डुप्लेसी के शतक से दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में। पाकिस्तान पर अब तक 205 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले धोनी ने रांची के देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। वनडे और T20 टीम में शामिल है धोनी। यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली शूटर मनु भाकर का हरियाणा सरकार पर तंज। 2 करोड़ के इनाम के ऐलान के बाद भी मंत्री अनिल विज से पूछा, क्या इनाम का ऐलान भी जुमला था। दुबई में आयोजित ग्लोबल सॉकर अवार्ड में पुर्तगाल के खिलाड़ी रोनाल्डो को 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए कर सकते हैं अध्यादेश का इस्तेमाल। अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड जा रहे बच्चों की वैन हादसे का शिकार, 5 बच्चों की मौत। श्रीलंका में आज होंगे आम चुनाव। राष्ट्रपति सिरिसेना के पीएम रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त किए जाने के बाद उपजे संवैधानिक संकट के बाद से पहला चुनाव आज। चिली की राजधानी सैंडियागो में एक धमाके में 5 लोग घायल। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।